ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी डॉक्टर अली काज़मी, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम लंदन मैंने किया था और नाउ आई एम रनिंग माई क्लिनिक इन मॉल्टन। इट्स 130A ब्लॉक मॉल्टन लाहौर। यह मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक है विच आई एम रनिंग। दिस इज़ आवर प्रॉब्ली आई थिंक 4th वीडियो विच आई एम शेयरिंग विद यू और आई होप कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एक बड़ी मेमोराइज़ करें इसको, क्योंकि ये आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं इट्स ए वेरी हॉट टॉपिक इन द सेंस कि ये एक डर्माटोलॉजिस्ट के लिए, स्किन स्पेशलिस्ट के लिए एक ब्रेड एंड बटर है और एक आम जनरल डॉक्टर के पास भी चले जाएँ। अगर आप एक जीपी के पास जाते हैं तो उसके पास भी जो आज का टॉपिक है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज़। कॉमनेस्ट इन द सेंस क्या समझें, अगर हम 100 मरीज़ देखते हैं तो समझें 50 मरीज़ इस बीमारी का है जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप घर बैठ के अगर उसको आप उसको कंट्रोल कर लेना किसी थोड़ा सा, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो प्लीज़ लिसन टू इट केयरफुली। तो जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ एक्ने। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एक्ने किसको कहते हैं? पिंपल्स को, जो चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं। पिंपल्स किसको कहते हैं? दाने, दाग, धब्बे, निशान, दाने जो बन जाते हैं, पीप पड़ जाती है, उसको कहते हैं। सो एक्ने, पिंपल, दाने, आज हम उनका डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि क्या है, कैसे इसको आगे क्या लेके चलना है, कैसे ठीक होता है इसका सारा। इट्स ए वेरी बिग टॉपिक, वेरी ह्यूज टॉपिक और कॉमनेस्ट ऑफ द डिजीज़ है। एक्ने की वजह सबसे पहले आते हैं कि वजह क्या होती है, एक्ने पिंपल कील क्यों निकलता है। ये निकलना है सबसे पहले, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले मरीज से पूछते हैं कि बेटा आप ये बताओ कि आपके पेरेंट्स में तो नहीं था किसी को, क्योंकि इनहेरिटेंस। एक्ने की चंद रीज़न्स होती हैं जिसमें कह लें कि 5-6 ऐसी रीज़न हैं जो टॉप ऑफ द लाइन पे आती हैं, बाकी छोटी बहुत रीज़न्स हैं, समझें कि बहुत ज़्यादा हैं जो मैं इतनी बयान भी नहीं कर सकूँगा, मगर जो मेजर 4-5-6 रीज़न्स हैं एक्ने के वो मैं आपसे करूँगा, ताकि अगर उसको अवॉइड किया जाए तो आप इससे बच सकते हो, बेहतर हो सकता है सारा कुछ। पहली रीज़न मैं बोला हॉर्मोन्स, कि ख़ानदान से आती है एक्ने। हम पेरेंट्स से पूछेंगे कि बेटा आपके वालिद या वालदा में से किसी को एक्ने, अगर तो दोनों को पिंपल्स थे अपनी उम्र में, उनकी यंग एज में या जब भी उनको थे, अगर दोनों को थे तो 90% चांसेस हैं कि बच्चों में भी पिंपल्स आएंगे। ये तो उनका हो गया दोनों का। अगर दोनों में से किसी एक को हैं तो तब भी 50% चांसेस हैं कि दोनों में से बच्चों में से किसी को आ सकते हैं। अगर पेरेंट्स में से किसी को नहीं है, ख़ानदान में मामू को, खाला को, चचा को, किसी को इस तरह करके हैं, तो देन भी आपको एक्ने कहीं ना कहीं से, अगर बिल्कुल भी नहीं तब भी एक्ने आ सकती है। उसके जो और रीज़न्स भी बनते हैं जिनकी तरफ अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड रीज़न क्या बनता है? हॉर्मोन्स। जब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। जब इंसान प्यूबर्टी एज पे आता है तो उस वक्त 12, 13, 14 साल पे आता है, लड़के और लड़की के अंदर चेंजेस आते हैं, तो हॉर्मोन्स की चेंजेस होती है। वो हॉर्मोन्स हैं जो हमारे एक्ने के ग्लैंड्स के ऊपर जाके अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे और वहाँ से पिंपल निकलना शुरू हो जाता है। एक्ने का वो वाला ग्लैंड है कि जो हमारी बॉडी के ऊपर सर्टेन जगह पे होता है। हॉर्मोन्स की चेंजेस से एंड्रोजेंस होते हैं, मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, इनकी तादाद जब बढ़ती है बॉडी के अंदर मेल और फीमेल के अंदर, वो जाके इफेक्ट उन ग्लैंड्स पर करते हैं, वहाँ पर से पिंपल स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड रीज़न क्या बना? हॉर्मोन्स का। इसलिए कहते हैं ना कि टीन्स एज की बीमारी है। टीन किसको कहते हैं? 13 से 19 तक, क्योंकि हॉर्मोन्स की चेंजेस आ रही होती हैं, बच्चे प्यूबर्टी एज पे आ रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। सेकेंड हार्मोन आ गया। देन थर्ड क्या है? मौसम की तब्दीली वगैरह, चेंजेस वगैरह। आप देखें कि अगर आप गर्मी में ज़्यादा, हबस में मौसम जो गंदा आजकल मौसम चल रहा है, इसमें पिंपल ज़्यादा हो जाते हैं, सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं सेबेशियस ग्लैंड की, जिससे ज़्यादा हो जाता है। देन खाने पीने के साथ, जो लोग कई कहते हैं कि जी हम जब चॉकलेट्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, बच्चे कहते हैं, तो हमारे 2-3 पिंपल निकल आते हैं। कई लोग कहते हैं हम जितना मर्जी मीठा खा लें हमें कोई इफेक्ट नहीं करता। कई लोग कहते हैं कि जब हम ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, फ्राइज़ हो गए, नगेट्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, चीज़ हो गई, ऑयली फूड खाते हैं, उससे एक्ने हो जाती है। एक्ने का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक चीज़ है कि जिससे पिंपल हो जाना, इसकी बहुत रीज़न जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसे खाने पीने के साथ भी हो सकता है, कई लोगों को खाने पीने से कोई ताल्लुक भी नहीं इसमें होता, इसलिए कोई एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। फाइनली जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अब जो इसके अंदर मैं बताने लगा हूँ, रीज़न एक इसका बहुत बड़ा, वो है स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस। कभी आप नोट करें कि जिन बच्चों के एग्ज़ामिनेशंस हैं, एग्ज़ामिनेशंस आ गए, करीब आ गए और बड़ा मुश्किल है और उनको पढ़ना है, सारा दिन स्ट्रेस में है, टेंशन में है, आप नोट करें उनकी एक्नी बढ़ जाएगी, पिंपल्स बढ़ जाएंगे, चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ जाएंगे। सो स्ट्रेस और ये बहुत रोल प्ले करता है इसके अंदर। ये तो मैंने बता दिया जो मेजर मोटे मोटे रीजंस थे कि जिसकी वजह से एक्नी पिंपल्स डेवलप होते हैं मेजरली। है वैसे तो और बहुत छोटी छोटी और बहुत वजूहत होती, परफेक्टली ये वाले हैं। अब हम आ जाते हैं एक्नी पिंपल आता कहाँ का है, बॉडी पे किधर किधर पिंपल हो सकते हैं। याद रखें इसकी चंद जगह हैं जहाँ पिंपल आता है। फॉर एग्जांपल फेस पे पिंपल्स आते हैं, एनीवेयर ऑन द फेस। नेक पे बहुत थोड़े होते हैं, मेजरली फेस पे आएंगे पिंपल्स। शोल्डर्स के ऊपर, शोल्डर पे आएंगे। शोल्डर पे भी कहाँ तक आते हैं, आपके एल्बो से ऊपर ऊपर है तो वो पिंपल है, यहाँ तक शोल्डर के एल्बो के ऊपर, दोनों शोल्डर्स, फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे, अपर हाफ ऑफ द चेस्ट पे, अगर दैट इज़ अ प्लेस तो वहाँ पर दैट इज़ अ पिंपल। और बैक पे, पिछली कमर पे, डाउन टिल द हिप लाइन अगर जा रहा है, कमर से लेके ऊपर शोल्डर से लेके, तो दैट इज़ एक्नी। अगर उससे आगे कोई चीज़ है तो वो एक्नी नहीं है, वो पिंपल्स नहीं है भाई। अगर पेट पे, टांगों पे कहीं कोई चीज़ निकल आती है, वो फ्रंकोलोसिस है, फॉलिकुलाइटिस है, जो भी और डिजीज़ें होती हैं वो उसके अंदर आप फॉल करेगा। सो पिंपल्स के लिए मैंने आपको बता दिया फेस है, अपर चेस्ट है, बैक है एंड शोल्डर्स हैं। दीज आर द प्लेसेस वेयर द एक्नी इट कम्स। अब ये भी आपको बताया। अब एक्नी का आप ये देखें, हमने बताया टीन एजर्स के अंदर ज़्यादा आती है, पर याद रखें एक्नी किसी उम्र पे भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं, लोग कहते हैं जी हम तो टीन में कभी एक्नी आई नहीं, मैं तो 25 की हो गई हूँ या मेरे उम्र इसका 35 या 40 की हूँ, अब मेरे पिंपल्स आ गए। तो याद रखें वहाँ फीमेल्स जो हैं हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से उनके अंदर वो चीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई है। अब हम आते हैं एक्नी है क्या, पिंपल्स क्या होते हैं, कितनी किस्मों के होते हैं और हम उनको कहाँ रोकें तो क्या क्या हमारा फ़ायदा हो सकता है। एक्नी की स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या है एक्नी की, पहली स्टेज है अगर आप वहीं रोक लेंगे पहली स्टेज पे तो याद रखें एक्नी आगे नहीं जाएगी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्नी की पहली स्टेज है कोमोडोन्स। कोमोडोन्स को कहते हैं ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। अगर ये पहला स्टेज है, बिल्कुल बारीक काले और वाइट हेड्स बन जाते हैं चेहरे पे। अगर आप इनको एक्सट्रैक्ट कर दें, बने ये बनते रहेंगे अंदर से, ख़त्म नहीं इनको कर सकते, बॉडी के अंदर से डेवलप होता रहता है ये। अगर ये बनते रहते हैं आप उनको निकालते जाएँ तो वहाँ एक्नी डेवलप नहीं होगी। वो भी आपने कैसे करना है, खुद आप स्टीम लेके, कोमोडोन एक्सट्रैक्टर्स मिलते हैं, ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर्स, आप उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो वहाँ से ब्लैक हेड और वाइट हेड बाहर आ जाता है उसके अंदर। तो इसलिए इनको निकालेंगे तो एक्नी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद नहीं होगा तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है एक्नी का वहाँ पर डेवलपमेंट का। तो पहला स्टेज आ गया हमने कहा कोमोडोन्स। कोमोडोन्स में दो किस्म के हैं, ब्लैक और वाइट हेड, यहाँ पर इनको स्टॉप करें। सेकेंड स्टेज क्या है, उसी का पैप्यूल बन जाएगा, रेड कलर का आपको दाना बन जाएगा उन्हीं के ऊपर, वही जो पैप्यूल कोमोडोन थे, पैप्यूल्स बन गए उसके ऊपर। अब क्या वो जो रेड वाला बना, अब वहाँ पर नीचे उसके पस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जब पस्ट डेवलप होगी तो वो पस्ट्यूल बन जाएगा उसके ऊपर, पस्ट बन जाएगी, यहाँ पर छोटा सा एक दाना पीप वाला बन जाएगा। और अगला स्टेज क्या है, नोड्यूल आ जाते हैं, एक नोड बन जाती है और सिस्ट बन जाती है, एक बॉल बन जाता है चेहरे पे, बड़े बड़े आबले बन जाते हैं चेहरे के ऊपर। तो जो कि फाइनल स्टेज होती है जिसके बाद स्कारिंग आ जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, खुडे पड़ जाते हैं चेहरे पे। तो हमने करना क्या है, हमने पहली स्टेज पे एक्नी को रोकना है, वो अपने घर बैठ के रोकना है। रोकेंगे तो आपको हमारे पास आने, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। अगर हो गया खुदा ना खास्ता बढ़ गई चीज़ तो फिर तो ऑब्वियस है आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। अब क्या है, अगर आप इसमें रोक लेते हैं तो वो तो वेल एंड गुड, वरना अगर हल्की फुल्की एक्नी है तो फिर इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं। कोई भी एंटीबायोटिक हल्की देते हैं, लोकल एप्लीकेशन लगवाते हैं, क्रीमें लगवाते हैं। वो क्रीमें 2-3 किस्म की होती हैं। एक क्रीम होती है जो ऊपर से छीलेगी, इसको स्क्रैप ऑफ करेगी हमारी एक्नी को, ताकि ब्लैक हेड्स उतरें, वाइट हेड्स उतरें, और उसके बाद वहाँ पर से कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स दी जाती हैं जो पिंपल बना हुआ है मोटे वाला उसको ख़त्म करने के लिए, और ओरल भी दी जाती है मेडिकेशन, ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये तो वक्ती तौर पर, दिस इज़ ए टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, ये वक्ती तौर पर टेम्प्रेरी। अब अगर आप कहें कि लोग कहते हैं नहीं जी हमारी तो एक्नी दिनों से क्या, महीनों से क्या, सालों से चल रही है, हमारे तो मंथ्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स हो गए, चेहरा ख़राब हो गया, बुरे हाल हो गए हमारे, उसके लिए एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। ये होती वक्ती तौर के लिए, एंटीबायोटिक ना खाने को और ना लगाने को। देन सिर्फ एक दवाई काम करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ इसके ट्रीटमेंट के अंदर। वो कौन सी दवाई है जो इसमें काम करेगी, ये एक दवाई है जिसको कहते हैं आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन क्या चीज़ है, ये केमिकल नेम मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये होता है विटामिन ए का डेरिवेटिव है, विटामिन ए है उसका डेरिवेटिव आगे निकाला हुआ है, उसको कहते हैं आइसोट्रेटिनोइन। इसका काम क्या है, ये स्पेशल कैप्सूल्स हैं। ये वाहिद एक दुनिया में एक इलाज है कि जो एक्नी को, पिंपल्स को, जो 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल से किसी के चल रहे हैं, ये वाहिद एक दुनिया में इलाज है जो अंदर से जाके एक्नी को 70 to 80% उसको ख़त्म कर सकती है। बस और कोई इलाज नहीं है जो एक्नी का, पिंपल को ख़त्म करेगा। क्योंकि इन कैप्सूल्स ने करना क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में नहीं जाऊँगा, आम सादे वर्ड्स में बताऊँगा। ये जो कैप्सूल्स आप खाते हैं, 6 महीने खाने पड़ते हैं, ये अंदर जाके तो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारे, पहले मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आप एक पौधा है, आप उसको ऊपर से काटते जाते हैं, वो दोबारा उगाता है, आप फिर पौधे को काटते हैं, वो फिर उगाता है। अगर आप उसकी जड़ को काट देंगे तो फिर वो पौधा नहीं उगेगा वहाँ पर से। तो ये वो कैप्सूल्स हैं जो जाके जड़ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड, वो जो ग्लैंड जहाँ से एक्नी उठनी है, ये उसको जाके स्क्वीज़ कर देता है, उसको स्क्वीज़ कर देगा। जब वो जड़ वहाँ से ख़त्म होगी तो पौधा तो उगेगा नहीं और यहाँ से डिजीज़ निकलेगी नहीं। तो इसलिए वो, ये आपको इसलिए दिए जाते हैं कैप्सूल्स। ये क्या करते हैं, उनको जाके बिल्कुल निचोड़ देते हैं, समझें आम वर्ड्स के अंदर। तो वहाँ पर से पिंपल उस कंडीशन में नहीं निकलते। 100% नहीं बोला, 70 to 80% इट इम्प्रूव्स योर एक्नी। और बहुत अच्छा, इसका दुनिया में एक वाहिद एक दवाई है कि जो हम समझें कि गारंटी से पेशेंट को कहते हैं कि जी अबाउट 70-80% इक्का दुक्का दाने कभी भी निकल सकते हैं ज़िंदगी में, इंसान को 2-4 दाने आ सकते हैं, पर वो जो भरा हुआ चेहरा आपका है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ फिर हम क्रीम्स देते हैं कि ताकि जो निशान, दाग, धब्बे बढ़ रहे हैं, उन क्रीमों को हम उसके साथ कवर अप करें। अब आ गया, ये तो आपका ठीक हो जाएगा, 6 महीने का इलाज है, मगर याद रखें इट्स वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, आम ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर की इजाज़त के बगैर आप इसको नहीं कर सकते। ख़ुसूसन लेडीज़ के अंदर इसको बहुत देख के देना पड़ता है, क्योंकि ये अगर मैरिड कोई हैं तो इसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट आता है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो बच्चे के अंदर इसमें डिफॉर्मिटी आ सकती है खाते के दौरान, ये याद रखें। खाते के दौरान नो प्रेगनेंसी, मगर यंग बच्चियों में या मेल्स तो कोई भी ले सकते हैं इसको। अगर हो तो हम मरीज़ को बताते हैं कि जी खाते के दौरान नो प्रेगनेंसी, यू कैन एन्जॉय योर लाइफ बट नो प्रेगनेंसी, वो नहीं आपने करनी 6 माह के लिए। जब आप इसको छोड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट में एक और क्लियर करके जाऊँ, क्योंकि हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको भी इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता। वो क्या कहते हैं, हम बताते हैं कि जब आपने दवाई छोड़ी, समझे 6 महीने पे छोड़ दी, उसके बाद एक साइकिल जब गुजर जाता है तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी कॉज कर सकते हैं, जा सकते हैं टुवर्ड्स द प्रेगनेंसी। वो समझते हैं ये 1 साल के लिए नहीं करना, नो, सिर्फ 1 मंथ आपने स्टॉप करना है, देन वन कैन गो अहेड। ये तो मैंने आपको एक परमानेंट ट्रीटमेंट इसका बता दिया, ठीक है। अच्छा, महंगा, एक्सपेंसिव है, ये सस्ता नहीं है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। अगर आप पूरे ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई 25-30 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट है, मगर वो ट्रीटमेंट है जिसके बाद कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज़ द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर द पिम्पल्स एंड उसके निशानात के लिए 70-80%। अब आ जाते हैं आखिरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं करने लगा हूँ, वो है स्कारिंग। एक्नी अगर आपकी आ गई और आपने नहीं ट्रीट कराई, बुरे हाल हो गए, महीनों से, सालों से चल रही है, खुडे पड़ गए, गड्ढे पड़ गए, स्कार पड़ गए। पिगमेंटेशन नहीं, प्लीज़, ये 2 अलग चीज़ें हैं। पिगमेंटेशन कहते हैं निशानों को, स्कार कहते हैं गड्ढे को। डीप चलेगी, खाई गई जल्द आपकी अंदर से। अगर एक दफ़ा वो आपके बन गए एक्नी से, सालों साल की एक्नी के बाद, यह बात याद रखें, ज़िंदगी भर वो ख़त्म नहीं होंगे। कोना ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं होंगे ज़िंदगी भर। दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो गड्ढों को ठीक कर दे। हो क्या सकता है, हम इसको बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अबाउट मैक्सिमम 30 to 40% रिज़ल्ट, लेस देन 50% रिज़ल्ट। सब झूठ बोला जाता है, यहाँ याद रखें, यहाँ आपको फंसाया जाएगा। जब एक तो स्कार बन गए, आपको कहेंगे ज़बरदस्त 80-90% आपका रिजल्ट आ जाएगा, हम इस पर लेज़र्स करेंगे, फ्रैक्सल करेंगे, माइक्रोडर्म करेंगे, नीडलिंग करेंगे, डर्मापेन करेंगे, पीलिंग करेंगे, कुछ जो मर्ज़ी करा लें। ये मेरी बात आज आप याद रख लें, जो करा भी रहे हैं, कभी ज़िंदगी में आपके गड्ढे ठीक नहीं होंगे, झूठ बोला जाएगा आपके साथ। चले मैं अपने पे लेके आता हूँ। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आए मेरे पास आए, मैं इनको ठीक कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, मैं इस पर एक लेज़र करूँगा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ फ़्रॉड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपके साथ फ़्रॉड। इसलिए गलत बात है। मैं आपको बेहतर कर सकता हूँ, लफ्ज़ क्या है बेटर, लफ्ज़ क्या है बेहतर। ठीक नहीं होंगे, 30 to 40% मैक्सिमम रिज़ल्ट है। जो भी प्रोसीजर आप कर लें उसके अंदर, उसमें हम सीरम्स भी डालते हैं और बहुत कुछ करते हैं नीडलिंग के साथ साथ, मगर कभी ख़त्म नहीं होते। कोई लेज़र नहीं है कि जो एक्नी को इसको ठीक कर सके। और फाइनली एक्ने बाइट सेल्फ के लिए कोई लेज़र नहीं है। इसमें भी बड़े बड़े ड्रामे हो रहे हैं, बहुत बहुत हरकतें हो रही हैं। डॉक्टर जस्ट चंद पैसे लेने के खातिर ख्वार कर देते हैं मरीज़ को कि जी आएँ आपका लेज़र करेंगे एक्ने के लिए। ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, वो चीज़ें हो रही हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती है। और मैं अपनी हर मूवी में एक बात कहता हूँ कि याद रखें, मैं भी डॉक्टरों के लिए, अपने लिए भी कह रहा हूँ, डॉक्टरों के लिए भी कह रहा हूँ, ये सब पैसा यहाँ रह जाना है। झूठ बोलने के बाद हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो प्लीज़ अवॉइड करें इन बातों को। पहले दिन सच बोलें मरीज़ के साथ, बता दें कि ये कभी ख़त्म नहीं होने। आपके स्कार जो बन गए हैं बेहतर हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। किसी लेज़र्स के लिए किसी ने नहीं जाना, कोई लेज़र ट्रीटमेंट नहीं है एक्ने का, किसी चीज़ के लिए नहीं है। और आखिर में बताना चाहूँगा, याद रखें जहाँ से शुरू किया था मैंने, आप अगर पहली स्टेज पे एक्ने को रोक रहे हैं, पिंपल्स को रोक रहे हैं, कौन सी स्टेज? कोमोडोन्स वाली, जहाँ से जड़ ऊपर उठी, आपने उस जड़ को वहाँ से कर दिया। किस तरह किया? कोमोडोन्स निकाल ले ब्लैक। जब पिंपल बन गया तो फिर नहीं छेड़ना, फिर उसके ज़ख़म बन जाएंगे। पहला स्टेज ब्लैक और वाइट हेड को निकालेंगे तो एक्ने डेवलप ही नहीं होगी। तो इसलिए घर बैठ के आपका तो अपना मैंने इलाज बता दिया, इसलिए हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा हो गया देन यू हैव टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जहाँ बैठे हैं जाएँ, प्लीज़ कोई लेज़र नहीं कराना। उनको बता दीजिएगा कि हमने वीडियो देख लिया है, उसमें क्या है कि कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी है, आप हमें जो दवाई दें, जो आइसोट्रेटिनोइन देना है वो दें, उसके मुताबिक होगा। आई होप कि मेरी आज की भी जो वीडियो है ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट अगली वीडियो हम करेंगे वो इससे भी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह आई होप कि मैं हम इसी तरह आपको एक मैसेज घर बैठ के देते रहेंगे, और ताकि उसमें और डॉक्टरों के लिए भी मैसेज आएगा कि प्लीज़ पेशेंट्स के साथ नहीं करना, वो चीज़ें बंद करनी। 4 पैसों की खातिर हम अपना ईमान बेच देते हैं। मैं कहूँगा मैं अपना ईमान बेचता हूँ 4 पैसों की खातिर, मुझे नहीं बेचना चाहिए, मुझे अल्लाह को मुँह दिखाना है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़ जी।